नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हाई स्पीड से गुजरी ट्रेन और ध्वस्त हो गया एमपी का ये रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर स्थित चांदनी रेलवे स्टेशन बुधवार शाम को भरभरा कर ढह गया। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब दो ट्रेनों कुछ देर पहले यहाँ से तेज रफ्तार से गुजरी थी। गनीमत यह रही है कि जब ये बिल्डिंग गिरी उस समय उसके नीचे कोई नहीं था। दरअसल ये घटना नेपानगर से असीगढ़ के बीच हुई। खंडवा की ओर से पवन एक्सप्रेस और बुरहानपुर की ओर से गुवाहाटी एक्सप्रेस शाम 3:30 ये से यहाँ से निकली थी। बिल्डिंग का हिस्सा करीब 3:55 पर गिर गया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे हादसे में बिल्डिंग की खिड़कियों के कांच फूट गए और बिल्डिंग गिर गए। भगवान भवन के अगले हिस्से का मलमा स्टेशन परिसर पर बिखर गया। जब हादसा हुआ तब बिल्डिंग के आसपास काम कर रहे लोग भागते गए। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस हादसे के कारण शाम को कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ। इससे मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना पड़ा। कई घंटे के बाद एक एक कर ट्रेनों को निकाला गया। स्टेशन मास्टर आशाराम नागवंशी ने फ़ोन कर बताया कि खंडवा की ओर से पवन एक्सप्रेस गाड़ी 3:30 पर और उसी समय बुरहानपुर की ओर से गुवाहाटी एक्सप्रेस निकली थी। दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। बिल्डिंग का हिस्सा करीब 3:55 पर गिरा है, जबकि पुष्पक एक्सप्रेस 4:30 पर गुजरी है। ADRM ने बताया कि लाइन पर बाधित ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई है।